अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके लिए नोकिया लूमिया 520 का रिव्यू लेकर आया हूँ। इनफैक्ट इस रिव्यू में मैं दो चीज़ों का रिव्यू करूँगा, एक तो इस फ़ोन का और दूसरा विंडोज़ फ़ोन 8 का। हमने एंड्रॉयड को बहुत देखे हैं लेकिन विंडोज़ फ़ोन को इतना एक्सपोज नहीं किया, तो आज मैंने सोचा कि मैं आपको विंडोज़ फ़ोन के बारे में भी थोड़ा सा बताऊँ। ये जो फ़ोन है लूमिया 520, इसमें क्वालकॉम का 1 GHz का ड्यूल कोर प्रोसेसर है, 512 MB रैम है, इसमें 4 इंच की स्क्रीन है और स्क्रैच रेजिस्टेंट स्क्रीन है। इसके अलावा 480x800 पिक्सल्स की इसकी रेजोल्यूशन है, 233 DPI इसकी पिक्सल डेंसिटी है। इसमें 8 GB जो है बिल्ट इन मेमोरी है, उसके अलावा आप इसमें microSD कार्ड भी लगा सकते हैं। दूसरा ये कि इसमें माइक्रो सिम चलती है, तो नॉर्मल सिम जो है वो इसमें नहीं चलेगी। 5 MP का कैमरा है और 720p पे ये रिकॉर्डिंग करता है, वीडियो रिकॉर्डिंग। इसके साइड पे इसका पावर बटन, वॉल्यूम रॉकर्स, कैमरा बटन, इस साइड पे कोई बटन नहीं है। ये फ़ोन इस वक्त मार्केट में तकरीबन 18,500 का अवेलेबल है, उस लिहाज से इस ये लो एंड स्मार्टफोन है। इसमें जो पीछे जो क्वालिटी यूज़ की है नोकिया ने वो भी बस ठीक ही है, कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वालिटी नहीं है। ये पकड़ने में ऐसे वैसे वेलवेटी टच आता है लेकिन ये और चीप सा प्लास्टिक लगा हुआ है। दूसरा ये कि इसमें कैमरे में जो है वो फ्लैश नहीं है। ये इसके स्पीकर्स हैं, हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। विंडोज़ फ़ोन 8 का इंटरफेस डिफरेंट है थोड़ा, आपको जब आप अनलॉक स्क्रीन होते हैं तो आपको ये स्क्रीन नज़र आती है, उस पर आपको छोटे छोटे नोटिफिकेशन आ रहे हैं कि ईमेल्स कितनी आई हुई हैं, मैसेजेस कितने आए हुए हैं, टाइम आ रहा है, ऊपर बैटरी इंडिकेटर है, वाईफाई इंडिकेटर। इसको अनलॉक करने के लिए आप ऊपर की तरफ स्लाइड करें तो ये अनलॉक हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा विंडोज़ फ़ोन 8 के बारे में इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। विंडोज़ ने जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है ये कम्प्लीटली डिफरेंट है एंड्रॉयड से और आईफोन से। आप देख रहे होंगे कि इसमें ये जो बड़े बड़े आपको आइकॉन्स नज़र आ रहे हैं, इनको ये टाइल्स कहते हैं और इनको लाइव टाइल्स कहते हैं। लाइव टाइल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन शो हो रही होती है ये चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल ये कैलेंडर की आप टाइल देख रहे हैं तो इसके अंदर ये जो लेटेस्ट इवेंट है वो नज़र आ रहा है। इसी तरह ये फेसबुक की टाइल आ रही है तो उसके ऊपर जो मेरा स्टेटस है वो आपको नज़र आ रहा है, तो ये इनको लाइव टाइल्स कहा जाता है। आपको पता है कि जैसे आईफोन और एंड्रॉयड में जो हैं वो आइकॉन्स होते हैं और आइकॉन्स जो हैं वो स्टैटिक होते हैं सारे, उनमें कोई मूवमेंट नहीं होती, लेकिन विंडोज़ ने ये जो टाइल्स का कॉन्सेप्ट पेश किया है और स्पेशली लाइव टाइल्स का, इसमें ये कि आप किसी ऐप में जाए बगैर भी आप जो हैं आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ई मेल्स का पता चल जाएगा यहीं पर कि ई मेल्स आई हुई हैं, ये कुछ दोस्तों की जो मैंने ऐड किए हैं उनके स्टेटसेस जो हैं वो मुझे यहीं पर नज़र आ रहे हैं, मतलब कि बगैर क्लिक किए एप्लीकेशन के अंदर जाए बगैर मुझे जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नज़र आ रही होती है। ये इसकी मेन स्क्रीन होती है, ठीक है, जहाँ पे सारी आपको ये लाइफ टाइल्स नज़र आ रही होती हैं। आप स्लाइड करते हैं तो आपको जितनी भी एप्लीकेशंस आपने इंस्टॉल की होती हैं वो सारी यहाँ पे नज़र आ रही होती हैं, बस ये दो स्क्रीन्स हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये इंटरफेस बहुत अच्छा है, माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत अच्छा काम किया है, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ जो है वो बनाई है। इट्स वेरी सिंपल और बड़ा प्योर सा ऑपरेटिंग सिस्टम लगता है, किसी चीज़ की कॉपी नहीं की गई। ये आप देख रहे हैं सारी एप्लीकेशंस, अगर आपने किसी स्पेसिफिक लेटर की स्टार्ट होने वाली एप्लीकेशन पे जाना है तो आप किसी लेटर पे क्लिक करें, सारा अल्फाबेटिकल आपके पास ऑर्डर आ जाता है। वी पे क्लिक करेंगे तो वी से स्टार्ट होने वाली ऐप्स आ जाएंगी, इसी तरह ए पे क्लिक करते हैं तो ए से स्टार्ट होने वाली आ जाती है। उनमें से किसी भी ऐप को अगर आप मेन होम स्क्रीन पे लेके जाना चाहते हैं तो आप उसको आराम से लेके जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको करते हैं, इसको थोड़ी देर आप प्रेस करके रखेंगे तो आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगी, पिन टू स्टार्ट, रेट एंड रिव्यू, उसको पिन टू स्टार्ट कर लेते हैं तो ये यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नज़र आना शुरू हो गई। अब इसके अंदर भी मज़ीद आपके पास ऑप्शन होती है कि आप इसको किस तरह रखना चाह रहे हैं, किस साइज़ में रखना चाह रहे हैं, छोटे साइज़ में, बड़े साइज़ में। इस ऐप के लिए सिर्फ दो ही अवेलेबल साइज़ आ रहे हैं, लेकिन यूजुअली होता ये है कि आपके पास ज़्यादा अवेलेबल भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये याहू मेल को आप देखें कि इसको मैं छोटा भी कर सकता हूँ और सबसे छोटा भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस लिहाज से इसका जो होम स्क्रीन है विंडोज़ 8 की वो हाईली कस्टमाइजेबल है,
आपको, आप जिस तरह चाहते हैं अपने फ़ोन को कस्टमाइज़ करना आप उस तरह कर सकते हैं। और उस लिहाज से ये भी एक बहुत यूनिक चीज़ है जो कि एंड्रॉयड और आईफोन में नहीं है। अगर आप इस फ़ोन ऐप को चाहते हैं कि ये जो है आपको छोटी करना चाहते हैं तो छोटी हो सकती है, अगर आप उसको फुल विड्थ में लाना चाहते हैं तो फुल विड्थ में लेके आ सकते हैं, मतलब कि जिस तरह भी आप चाहें अपने आइकॉन्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दूसरा जो इसमें ज़बरदस्त फीचर है इस फ़ोन में ये कि ये इट्स वेरी सोशल, मतलब कि जितनी भी सोशल ऐप्स हैं फेसबुक ट्विटर उनको हाईली इंटीग्रेट किया हुआ है थ्रू आउट द फ़ोन। फॉर एग्जांपल इसमें ये एक पीपल्स की एक ऐप है जिसमें आप जाते हैं तो आपके जितने फेसबुक के फ्रेंड्स हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आते हैं, उनके स्टेटस नज़र आ रहे हैं, मतलब ये चीज़ जो है ये बिल्ट इन है, ये फेसबुक की ऐप नहीं है, ये इस फ़ोन के अंदर बिल्ट इन ऐप थी। उनकी रिसेंट पिक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं, ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं, सारा कुछ आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर आप फ़ोटोज़ में जाते हैं तो आपको आपके जो फेसबुक पे जो आपके जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने अगर कोई पिक्चर्स डाली होंगी तो वो भी आपको नज़र आनी शुरू हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ पिक्चर्स जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। आपकी अपनी एल्बम्स पीपल में आप जाके आप अपने दोस्तों की जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं, आपकी अपनी एल्बम्स जो हैं वो आ सकती हैं। इस वक्त जो मेरे फेसबुक की पिक्चर्स हैं वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, जो कैमरा रोल की पिक्चर्स हैं वो भी यहीं पे नज़र आ रही हैं। उसके अलावा मैं आपको और भी इसमें फ़ीचर्स बताता हूँ, जहाँ मैं आपको बताऊँगा कि कितना इन्होंने हाईली इंटीग्रेट किया हुआ है सोशल एप्लीकेशंस को ओवरऑल फ़ोन के साथ। मेन व्यू मैं आपको बताना शुरू करता हूँ इसका। एक तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि इसके जो ये टाइल्स हैं आप इनको रिसाइज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, आप जिस तरह मर्ज़ी इसको अरेंज करना चाहें, इसको पकड़ के अगर मैं चाहता हूँ कि ऊपर रखने में इसको ऊपर रख सकता हूँ। उसके अलावा पीपल में जाते हैं दोबारा और यहाँ पे बेसिकली जो आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो भी यहीं पे आ रहे होते हैं, ठीक है। अगर आप अपने किसी एक कॉन्टैक्ट से चाहते हैं कि आप उसके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन करें, आपके उससे ज़्यादा इंटरेक्शन होती है, आप उसको फॉलो करते हैं, तो आप उस यूज़र को अपने मेन जो स्क्रीन है उसके ऊपर भी ला सकते हैं। उसके ऊपर थोड़ा प्रेस करके रखेंगे, उसको हम पिन टू स्टार्ट कर देंगे, तो ये देखें जी, ये कुछ मेरे दोस्त हैं जो जिनको मैंने मेन स्क्रीन पे अटैच किया हुआ, मुझे उनके स्टेटस अपडेट्स भी यहीं पे आ जाते हैं। अगर मैं किसी को कॉल करना चाहूँ तो यहाँ से उसको कॉल भी कर सकता हूँ, उसका जो फेसबुक का स्टेटस है वो भी मुझे यहीं पे नज़र आ रहा होगा। उसको अगर मैं मैसेज करना चाहता हूँ तो मैसेज कर सकता हूँ यहाँ से, उसकी वॉल पे अगर मैं राइट करना चाहूँ तो वो यहाँ से कर सकता हूँ। उसको ईमेल अगर मैं करना चाहूँ वेबसाइट में उसकी देख सकता हूँ। तो इन शॉर्ट मतलब कि आप अपने किसी भी दोस्त से जो जिनके साथ आपका ज़्यादा रबता रहता है आप उनको बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। इसके कैमरे का मैं आपको फीचर दिखाता हूँ। अगर आपने कोई तस्वीर खींची है और आप चाह रहे हैं कि उसको क्विकली जो है फेसबुक पे लोड किया जाए, तो अभी मैं कोई और तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने ये तस्वीर खींची है तो इसमें यहीं पे आपके पास शेयर की ऑप्शंस आ जाएंगी, आप इसको मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पर डाल सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, और जो दूसरी ऐप्स आपने इंस्टॉल की होती हैं वाइबर व्हाट्सएप इन सारों पे सेंड कर सकते हैं वेरी क्विकली। तो विदाउट एक्चुअली कोई ऐप इंस्टॉल किए, अभी तक मैंने आपको इस पे फेसबुक की अपनी ऐप नहीं दिखाई, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर बिल्ट इन होती हैं। उसके अलावा फिर अगर ऐप्स की तरफ हम आएँ तो फेसबुक की अपनी ऐप भी है विंडोज़ फ़ोन के लिए। दूसरा इसमें ये कि विंडोज़ फ़ोन में जब आप किसी ऐप पे क्लिक करते हैं तो एक उनका ये एक लेआउट होता है, वो ये होता है कि आप इसको राइट या लेफ़्ट स्लाइड करके डिफरेंट स्क्रीन्स पे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे ये मेरी न्यूज़ फीड आ रही है, फ़ोटोज़ पे मैं जा सकता हूँ, अपनी दूसरी सेटिंग्स में जा सकता हूँ, तो ओवरऑल आप जितनी भी ऐप्स देखेंगे उनमें आपको ये ट्रेंड नज़र आएगा।
पीपल में भी अगर हम गए थे तो वहाँ पे भी ये ज्वाइन था, लेफ्ट और राइट स्लाइड करके डिफरेंट स्क्रीन से मैं जा सकता हूँ। दूसरा जो इसमें मुझे एक और चीज़ बहुत अच्छी लगी थी कि इसमें ईमेल जो है वो इस्तेमाल करना बहुत ईजी है, रीड करना बहुत आसान है, बड़ा प्योर सा और क्लीन सा इंटरफेस होता है। आप उसको जूम इन करके रेजोल्यूशन बहुत अच्छी है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें आपको नहीं नज़र आ रही होती हैं ईमेल पढ़ते वक्त। डिलीट करना चाहें इसको यहाँ से आराम से डिलीट कर लें, न्यू ईमेल सेंड करना चाहते हैं तो वे आराम से आप कर सकते हैं, सारे आपके कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे आ जाते हैं। दूसरा ये कि ओवरऑल तो इसमें वैसे 512 MB रैम इस वक्त अवेलेबल है, लेकिन विंडोज़ फोन OS जो है ये थोड़ा सा लाइट वेट है एंड्रॉयड और आईफोन के मुकाबले में। इस लिहाज से 512 रैम जो है इस पर बिल्कुल सही लगती है और किसी भी पॉइंट पे आपको जो है वो जर्की फीलिंग नहीं होगी, जो कि जर्की फीलिंग लो एंड एंड्रॉयड फ़ोन्स में आती है, बेशक वो क्यू मोबाइल के हों या सैमसंग के हों, आपको उसमें एक लैग नज़र आएगा और एक जर्की फीलिंग सी नज़र आएगी, जो कि इसमें बिल्कुल नहीं है। वेरी स्मूथ इसकी ट्रांजेक्शन हैं, आप देख सकते हैं कि कोई मसला नहीं होता। मैंने इसको तकरीबन 2-3 हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ और आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय इट्स ओवरऑल टच, इट्स फीलिंग। ये बात सही है कि इसमें उतनी ऐप्स अवेलेबल नहीं है जितनी एंड्रॉयड में और आईफोन में हैं, लेकिन फिर भी इसमें कमी नहीं है गेम्स की भी। ये आप देख सकते हैं काफ़ी मैंने गेम्स इंस्टॉल की हुई हैं, वो वाली गेम्स आपको नहीं मिलेंगी इस पे जो आईफोन पे नॉर्मली होती हैं या एंड्रॉयड पे होती हैं, लेकिन कुछ कॉमन गेम्स भी हैं जिस तरह एंग्री बर्ड्स है, फ्रूट निंजा है, ग्रेविटी का है, काफ़ी आपको इसमें कॉमन गेम्स भी मिल जाएंगी जिस तरह, लेकिन जिस तरह टेंपल रन है, टेंपल रन इसमें अवेलेबल नहीं है। अच्छा, वो नोकिया फ़ोन 8 में रिलीज़ हो गई हुई है लेकिन स्पेसिफिक मॉडल्स में सिर्फ अवेलेबल है, वो सिर्फ उन मॉडल्स में अवेलेबल है जिसमें 1 GB तक रैम है। इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि इनकी जो क्वालिटी है ऐप्स की वो बहुत अच्छी होती है। इसमें ऐसा नहीं होता कि अगर आपने कोई ऐप इंस्टॉल कर ली है तो वो बाद में आपको प्रॉब्लम करेगी, अगर तो वो ऐप आपकी डिवाइस के मुताबिक सही तरह परफॉर्म नहीं कर सकती तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो आपको ऐप इंस्टॉल करने नहीं देता। कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ढूंढने की कोशिश करता हूँ, कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं जब हम उस पर जाके इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं तो हमें वहीं पर मैसेज आ जाता है कि ये जो ऐप है ये आपके फ़ोन पर सही तरह नहीं चल सकेगी, इसलिए वो उसको डाउनलोड भी नहीं करने देते। और जो ऐप आपके पास एक दफ़ा डाउनलोड हो गई उसमें गारंटी होगी कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको चलाने में। ये देखिए अगर मैं किसी गेम में भी जाता हूँ, ये मैंने गेम स्टार्ट की है और इमीडिएटली मैं होम बटन दबा देता हूँ तो कोई लैग नहीं आया, बिल्कुल उसने इंस्टेंट जो है रिस्पांस दिया है मुझे। दूसरा इसके आप नीचे देखेंगे कि ये एक विंडोज़ का बटन होता है जिस पर आप प्रेस करते हैं तो आप होम पे आ जाते हैं, बैक का बटन होता है जिसमें आप पिछली एप्लीकेशंस पे जा सकते हैं, अगर आप किसी एप्लीकेशन पे गए हैं तो आप बैक का बटन दबा के भी होम पे आ सकते हैं। बैक का बटन आप थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखेंगे तो आपको जितनी भी ऐप्स रन हो रही होंगी वो नज़र आ जाएंगी। इसमें आपको ऐसा जिस तरह की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपको ऐप्स क्लोज़ करनी पड़ रही हैं मेमोरी फ्री अप करने के लिए, इस लिहाज से भी जो विंडोज़ फ़ोन 8 है उसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, ख़ुद ब खुद जब उसको रैम की ज़रूरत पड़ती है तो एप्लीकेशन जो हैं वो वहाँ से रैम ले लेता है, मतलब कि कभी भी आपको जर्की फीलिंग नहीं होगी इसमें एज़ फार एज़ दिस है। और मुझे भी तकरीबन 2-3 हफ्ते हो गए हैं इस फ़ोन को यूज़ करते हुए तो ऐसी कोई फीलिंग नहीं हुई। और जो तीसरा नीचे बटन होता है वो होता है सर्च का, तो आप उसको दबाते हैं तो आप सर्च स्क्रीन पे चले जाते हैं जो कि बेसिकली बिंग के साथ इन्होंने इंटीग्रेट किया हुआ है। उसमें मज़ीद आपके पास दो बहुत अच्छे फीचर्स हैं, एक तो अगर आप एक म्यूज़िक आइडेंटिफिकेशन का है और एक है कि अगर आप किसी चीज़ को स्कैन करके सर्च करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। म्यूज़िक आइडेंटिफिकेशन का मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ, हम कोई गाना चलाते हैं I know I wasn't perfect when we fought and cried.
ये देखें जी, इसने गाना आइडेंटिफाई कर लिया। गाना किसका है, एल्बम का नेम क्या है, आप स्टोर पे जाके अगर इसको परचेज़ करना चाहें तो आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं। तो सर्च में जाते हैं, दूसरे सर्च में ये फीचर है कि अगर आपके पास कोई आर्टिकल है, फॉर एग्जांपल हम इसको स्कैन करते हैं, अब ये उसमें से जो है, जो आपने जो भी जिस चीज़ की आपने स्कैन किया उसको, उसमें से टेक्स्ट ढूंढ रहे हैं। और ये देखें आप, इसमें इसने हाईलाइट कर दिया जो टेक्स्ट इसको नज़र आया। अगर आप किसी भी वर्ड को आप क्लिक करें तो आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये पीपल आ गया, अगर आपने इसको सर्च करना है तो आप यहीं से इसको सर्च कर लें। अगर आप इसको ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं तो आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। हम देखते हैं इसको उर्दू में ट्रांसलेट करके, ये इसने ट्रांसलेट कर दिया। ये आप देख सकते हैं कि ट्रांसलेट करके शो कर दिया। आप किसी दूसरी लैंग्वेज में देखना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। नेट पे कोई वर्ड सर्च करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। वी पीपल सर्च को बेसिकली सर्च करना शुरू हो गया और ये रिजल्ट्स आ गए। यही सर्च का आप यूज़ करते हुए आप बार कोड्स भी स्कैन कर सकते हैं, क्यूआर कोड्स भी स्कैन कर सकते हैं। अब ये चीज़ें वैसे तो आप सोच रहे होंगे कि ये एप्लीकेशंस अवेलेबल होती हैं एंड्रॉयड में, आईफोन में, तो उनमें भी ये चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन ये है कि इन्होंने इसके अंदर बिल्ट इन ये फीचर दिया हुआ है, विच इज़ वेरी नाइस। उसके अलावा इसमें जो मेजर सोशल ऐप्स हैं, स्काइप, वाइबर, व्हाट्सएप, फोरस्क्वायर, ट्विटर, ये सारी ऐप्स अवेलेबल हैं इसमें, विकीपीडिया, टम्बलर, इंगैजेट, मतलब कि ये सारी ऐप्स जो आप नॉर्मल सोशल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं वो सारी इसमें आपको अवेलेबल हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। दूसरा ये कि इसमें बिल्ट इन जो है वो स्काई ड्राइव के साथ इंटीग्रेशन हुई हुई है इसकी। आप कोई भी पिक्चर खींचते हैं तो वो आपके पास ऑप्शन होती है कि आप उसको अपनी स्काई ड्राइव पर अपलोड कर सकें, या फिर उसको इस तरह सेटिंग कर सकते हैं कि वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाती है। फिर इसमें मैं आपको सेटिंग्स भी दिखाता हूँ। सेटिंग्स भी बहुत सिंपल है, मतलब कि कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। आप सेटिंग्स पे जाते हैं तो सारा कुछ आपके सामने आ जाता है। लॉक स्क्रीन को आप मज़ीद कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अभी इस वक्त मैंने उसके ऊपर पिक्चर लगाई हुई है, आप उसको चेंज करके अपनी मर्ज़ी की पिक्चर लगा सकते हैं। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप कोई स्पेसिफ़िक एप्लीकेशन चूज़ कर लें जो आपको लॉक स्क्रीन पर नज़र आए। फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त मैं आपको बताऊं कि मैंने जैसे फेसबुक जो है उसको सेट किया हुआ है, तो जो भी मेरे फेसबुक के स्टेटस होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे नीचे। लेकिन अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो वो मैं चेंज भी कर सकता हूँ। सॉरी, मैंने फेसबुक नहीं किया हुआ, मैंने अपना ईमेल एड्रेस सेट किया हुआ। अगर मैं फेसबुक सेट करूं तो जो फेसबुक के स्टेटस होंगे वो मुझे होम स्क्रीन पे नज़र आएंगे। इसी तरह जो दूसरी ऐप्स मैंने इंस्टॉल की हुई हैं, अगर उनमें से मैं किसी को करना चाहूं तो वो मैं कर सकता हूं कि वहां से जो नोटिफिकेशन है वो होम स्क्रीन पर नज़र आ जाए। एक तो मैं ये चूज़ करता हूँ फेसबुक, दूसरा फिर मैं जो नीचे आपको नोटिफिकेशन नज़र आ रहे थे, जो मैं वापस जाता हूँ आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये फेसबुक के स्टेटस नज़र आने शुरू हो गए। उसके अलावा नीचे आइकॉन्स आपको दूसरे नज़र आएंगे, अगर कोई ईमेल होगी तो उसका आइकॉन मुझे नीचे नज़र आ जाएगा, अगर कोई टेक्स्ट होगा तो उसका आइकॉन नज़र आ जाएगा। ये चीज़ें जो हैं ये भी आप चूज़ कर सकते हैं लॉक स्क्रीन के मेन्यू में जाके, कि जो नीचे जो नोटिफिकेशन आने हैं वो किस चीज़ के आने हैं।
ईमेल जो सेटअप करना है इसमें बहुत आसान है, इसमें बहुत सारी जो मेजर ईमेल प्रोवाइडर्स हैं उनके ऑलरेडी सेटिंग्स अवेलेबल होती हैं, और सिंपली आपने अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालना है और आपकी सेटिंग्स हो जाएंगी। बाकी इसमें ये सारी सेटिंग्स हैं इसकी। फिर एक अगर आप विंडोज़ 8 का अगर इतफ़ाक़ हुआ हो यूज़ करने का, तो विंडोज़ 8 में जो इन्होंने ऑफिस है वो कम्प्लीटली उसको रीवैम्प किया है, और ऑफिस जो है वो भी हाईली इंटीग्रेटेड है विंडोज़ फ़ोन 8 के साथ। अगर आप अपने किसी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं अपने लैपटॉप पे, और अगर आपने उसको कनेक्ट किया हुआ है अपने स्काई ड्राइव के साथ, तो आप वही डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे अभी आके आप एडिट कर सकते हैं। और इसी तरह आप अगर यहाँ पे कोई एडिट करेंगे तो वो एडिट जो है वो आपके लैपटॉप पे भी अवेलेबल होगी। टाइपिंग जो है वो इसकी बहुत अच्छी है, इसका कीबोर्ड जो है वो उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो एंड्रॉयड से जो है वो बहुत बेहतर है। आप इस तरह सर्च कर सकते हैं, एक और एप्लीकेशन है वन नोट जो कि फ्रीली अवेलेबल होती है विंडोज़ में भी और विंडोज़ के डेस्कटॉप वर्जन में भी और इसमें भी। ऑफिस का ये है कि फ़ोन में तो आपके पास फ्रीली अवेलेबल है, लेकिन डेस्कटॉप वर्जन में आपको जो है वो परचेज़ करना पड़ेगा। नोट जो एप्लीकेशन है ये फ्री अवेलेबल है विंडोज़ फ़ोन 8 में भी और इसमें भी, इस लिहाज से इसमें अच्छे फीचर हैं। थोड़ा कैमरे में मज़ीद जाके मैं आपको बताता हूँ। कैमरे में आपके पास एक तो ये 720p पे रिकॉर्डिंग करता है जो कि काफ़ी अच्छी इसकी चीज़ है। दूसरा ये कि इसमें एडिटिंग के सॉफ्टवेयर जो हैं वो इसमें ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आप फिल्टर्स लगा सकते हैं डिफरेंट, और ये भी वो चीज़ें हैं जो कि बेसिकली आप सोच रहे होंगे कि एप्लीकेशंस जो हैं वो इंस्टॉल हो जाती हैं और वो सारा कुछ हो सकता है, लेकिन द फैक्ट के विंडोज़ ने ये सारी चीज़ें बिल्ट इन डाली हुई हैं, तो ये मतलब कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और जो बिल्ट इन ऐप्स होती हैं वो दूसरी ऐप से ज़्यादा अच्छी परफॉर्म करती हैं, क्योंकि वो कंपनी ने खुद बना के डाली होती हैं, ऑप्टिमाइज होती हैं। इसमें एक स्मार्ट शूट का फीचर है जिसमें ये होता है कि अगर आप जो है किसी चीज़ की तस्वीर खींच रहे हैं तो वो मल्टीपल तस्वीरें उसकी खींच लेगा, और फिर बाद में आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी तस्वीर जो है वो सिलेक्ट करनी है। तो आप सिलेक्ट कर लेंगे कौन सी तस्वीर आपको बेहतर लग रही है। 2, 3, 4, 5, 6 तकरीबन 6 तस्वीरें उसने खींच ली हैं सक्सेशन में। तो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रुप फ़ोटो खींच रहे हैं तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छा फीचर है। फिर इसमें एक सिनेमाग्राफ तस्वीरें आप खींच सकते हैं, उसका भी सैंपल आप देख सकेंगे कैमरे के रिव्यू में। तो ये था जी ओवरऑल इसका विंडोज़ फ़ोन 8 का इंट्रोडक्शन। और इस फ़ोन का इंट्रोडक्शन मैं जल्द इसमें आपको गेम्स भी चला के दिखाऊंगा, गेम्स का डिटेल से रिव्यू करेंगे, और उसके अलावा इसके थोड़े से और फ़ोन के जो फीचर्स हैं उनका रिव्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।